प्राची नदी की इस विकास ने विनाश किया है, हत्या की है। ये जो नेशनल हाईवे बना वो उस वक़्त धरती के नीचे थी, उसको सरस्वती नदी कहते हैं। सरस्वती नदी वो होती है जो सरस के बहती है, जो मिट्टी के नीचे बहती है। उन लोगों ने जब वो सड़क बनाई तो उसका अध्ययन नहीं किया और वो सड़क बना दी, उसके कारण जो नदी का डाउन फ्लो था वो रुक गया और एक तरह से आपकी जो पाची नदी है वो कट गई अपने अपने जीवन से, और वो आज मैं देख के आया बिल्कुल मर गई है। मुझे लगता है कि उस नदी को रिजुनेट करने के लिए यहाँ के पाची आंदोलन और पाची परिषद के सब साथी लगे हैं, अश्वनी महापात्रा आदि। हम सब लोग ये देख रहे हैं कि इस नदी को जो अभी इसमें मड जम गया है उस मड को ड्रेजिंग किया जाए। उसको डीसिल्टिंग नहीं कहते हैं, डीसिल्टिंग कहते हैं जो लोग माइनिंग करते हैं, ये माइनिंग नहीं है, ये ड्रेजिंग है। ड्रेजिंग वो होती है जहाँ चिकनी मिट्टी होती है उसको थोड़ा हटा देने से वो ज़रा नदी का फ्लो बन जाता है, नदी बहने लगती है। तो मैंने आज उनसे कहा कि भाई इस नदी को ड्रेजिंग करके जितना नीचे है उसको तो रिजुनेट करो। तो ये इस मनरेगा में और कुछ और लोग लग के, समाज लग के इसको पुनर्जीवित करने का एक सामाजिक प्रयास आज से होगा। देखिए आज की तारीख में नदियों पर तीन संकट है। जो सबसे पहला संकट है वो नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। ये पूरी की पूरी नदी मैंने देखी नक्शे पर पूरी एनक्रोच हो गई है। और दूसरा जो बड़ा संकट है वो प्रदूषण का है। ये जो हमारा न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन सारा एफ्लुएंट और जो हमारे शहरों का सुवेज है वो सारे का सारा सुवेज नदी में डाल देते हैं और नदी बीमार हो जाती है और नदी आईसीयू में जाके मर जाती है। आज तुम्हारी गंगवा नदी हो या तुम्हारी दूसरी नदियाँ हो, ये सब पॉल्यूट होकर बीमार हुई पहले और फिर आईसीयू में भर्ती हुई और फिर मर गई। और हम जैसे बेटे उनकी उनका इलाज कराने के लिए आगे नहीं आए। तो ये जो अपराध है ये हमारा अपराध है, हमारी उम्र के लोगों का अपराध है कि हम अपनी उम्र में अपनी आँखों के सामने कहते तो माँ है हम सब लोग, परंतु ओडिशार 11 हूँ प्रमुख नदी और असंख्य ओडिशार शाखा नदी और प्रशाखा नदी प्राय सब नदी गुड़िक बर्तमान गभीर संकट को जा प्रदूषण शोषण और अतिक्रम यही कारण आज समस्त नदी गुड़िक अत्यंत गभीर संकट को जा गोटे प्रयास हिसाब से आमे नदी बचाओ सम्मेलन ये नदी बचाओ सम्मेलन आम मुख्यतः कतोटी निष्पत्ति नाक जाऊ। प्रथम निष्पत्ति हूँ जे नदी साक्षरता अभियान बा नदी पाठशाला सेटा को आरंभ कर अर्थ हूँ लोक को नदी सहित जोड़ गोटे प्रक्रिया आरंभ गोटे समय थी नदी आ मनीष भितर लोक गोटे गभीर संपर्क था संपर्क बर्तमान समय नहीं संपर्क जेहेतु त्रुटि त्रुटि जाऊँ नदी पर जो आम आवेग आम जो भावावेग आस्ते आस्ते नदी पाठशाला आम आरंभ करूँ जहाँ को आम कहूँ जे नदी साक्षरता अभियान द्वितीय जिन आम कथा कह चाहूँ महानदी को लेकर महानदी आज जो संकट रे अच्छी संकट हूँ कौन ना कलमा बैरेज पाखु महानदी को आउ पानी आसुना महानदी को यदि छत्तीसगढ़ पानी न आसब तेब ओडिशा ओडिशावासी एवं महानदी से अधिक संकट भितरको जीव जा सारे महानदी उपर विशेष दृष्टिभंगी रही आसंता काली और परदिन आम गोटे महानदी जात्रा जाऊ कलमा पर्यंत जीव कलमारू आसबू आम सुखासुड़ा पर्यंत जो भी महानदी ओडिशा को छुई और विभिन्न जगार सब पब्लिक कनसल्टेसन करेटू से मतामत नबु एवं हीराकूद तले जो 7 बैरेज हवा
ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ କହିବା କଥା କହିଥିଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଦୀ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ହେଉ ଶାଖା ନଦୀ ହେଉ ବା ଅଶାଖା ନଦୀ ହେଉ ଏସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଯେ ନଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ।